हेलो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ईपीएफओ का साइट सुबह से ही डाउन चल रहा है, काम नहीं कर रहा है दोस्तों। और ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ईपीएफओ का क्या कहना है इस प्रॉब्लम के बारे में। साथ में ईपीएफओ ने दोस्तों यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में, यूएन मेंबर पोर्टल में कुछ बड़ा बदलाव किया है और कुछ यहाँ पे आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। वही बदलाव क्या है और उसका मतलब क्या है, ऐसा बदलाव क्यों किया गया है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल से इस वीडियो में बताया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ईपीएफओ का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पे साइट डाउन चल रहा है सुबह से ही दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 26 और 27 तारीख को दोस्तों यहाँ पे कुछ काम चल रहा है साइट में, इसलिए इतना बजे से लेके इतना बजे तक आप लोगों को स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। इतना बजे से लेके इतना बजे तक यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, 26 और 27 आप लोगों को यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है और 10 बजे से बता दिया गया है कि 26 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसका काम, इसलिए ये अंडर मेंटेनेंस है। एक तो ये हो गया दोस्तों कि ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा और वो 27 के बाद से काम करना नॉर्मली चालू कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, ईपीएफओ का जो ओरिजिनल वेबसाइट है यानी कि ऑफिशियल ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी अंडर मेंटेनेंस का इशू आ रहा है दोस्तों, और उसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया कि कब तक सही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों एक दो दिन में ठीक हो जाना चाहिए, एक दो दिन भी नहीं लगेगा, एक दिन शायद लग सकता है क्योंकि आज तो पूरा दिन लग गया, हो सकता है कल भी मेंटेनेंस में इसका जा सकता है। इसलिए ईपीएफओ का भी जो वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल साइट, वो भी सही से काम नहीं कर रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ये है कि जब आप अपना फॉर्म 19, 10C या फिर 31 जब अप्लाई करना चाहते थे दोस्तों, ओटीपी सही सही फिल करने के बाद जब सबमिट करते थे तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को एरर देखने को मिल जाता था कि आपका क्लेम सबमिट पोर्टल में नहीं किया जा सकता है, प्लीज ट्रायगन का आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तरह तरह के वहां पे एरर देखने को मिल रहे थे दोस्तों कुछ दिनों से, ठीक है, एक दो दिनों से। तो दोस्तों वो जो एरर देखने को मिल रहा था फाइनली वो वहां से सोल्व कर दिया जा चुका है। अभी आज मैंने बहुत सारे क्लेम किए दोस्तों, किसी में भी ये वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको भी वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि आपको भी एरर आ रहा था, तो अभी आप अपना क्लेम रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो एरर वहां पे आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, प्रॉपरली फिल करेंगे, ओटीपी सही आएगा, ओटीपी सही देंगे तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम था वो सोल्व कर दिया जा चुका है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट किया गया है दोस्तों, जब आप अपना केवाईसी करने के लिए जाएंगे दोस्तों, आधार केवाईसी करने के टाइम में पहले क्या होता था, स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे नॉर्मली आप आधार कार्ड का जो नंबर था वो देते थे, सबमिट कर देते थे, वो सेव हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप करना चाहेंगे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है, आई हियर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माय आधार नंबर फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग माय आइडेंटिटी फॉर आधार शेडिंग विथ माय यूएन। ये चेकबॉक्स आप लोगों को टिक करना होगा दोस्तों, तभी आपका ये आधार कार्ड यहाँ पे सेव हो पाएगा। अगर अदरवाइज ये अगर आप यहाँ पे चेक नहीं करते हैं दोस्तों, यानी कि टिक नहीं, चेकबॉक्स में टिक नहीं करते हैं, तो ये आपका सेव नहीं हो पाएगा। ये अपडेट किया गया है। अगला अपडेट का बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अपडेट नहीं है, ये एक तरह का एरर है जो कि यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में देखने को मिल रहा है दोस्तों। जब आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे और बेसिक डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड मॉड्यूल रेफरेंस नो डाटा फाउंड का एक एरर देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक टाइप का एरर है दोस्तों, लेकिन इसमें भी अभी तक ईपीएफओ ने कुछ नहीं कहा है कि ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है और कब तक ठीक होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सब क्या होता है, ग्लिच होता है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, बेसिक डिटेल वैसे भी ज्यादातर लोगों को चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला, आपने भी बेसिक डिटेल में क्लिक किया, बेसिक डिटेल आपको चेंज करना है दोस्तों, चेक करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे इनवैलिड मॉड्यूल रेफरेंस नो डाटा फाउंड का एक एरर देखने को मिल जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, ये भी ये टेम्पररी एरर है दोस्तों, कुछ दिन में ये भी ठीक हो जाएगा, एक दो दिन लगेगा इसको भी ठीक होने में। अगर अदरवाइज आप लोग जब ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जब साइट सही हो जाएगा, तो इसके लिए आप ग्रीवेंस रजिस्टर जरूर कर दीजिएगा, ट्विटर पे भी उन्हें टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों को मैंने ईपीएफओ पोर्टल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया है दोस्तों। अगर आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी लाता हूँ दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 90% लोग ऐसे वीडियो देखते हैं दोस्तों मेरा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।